भारत कल्चर से भरा अपना ये देश जिसे महान बनाते हैं यहाँ के लोग और यहाँ का त्योहार। भारत में हर साल हजारों त्योहार मनाए जाते हैं। शायद भारत में जितने त्योहार मनाए जाते हैं उतना पूरे देश में नहीं मनाया जाता, और उन्हीं त्योहारों में से एक है नवरात्रि। नवरात्रि जिसमें अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है। पर क्या आपको पता है कि नवरात्रि कैसे और क्यों मनाई जाती है? नहीं तो आज के इस वीडियो में आप जरूर जान जाएंगे। तो मैं हर्ष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सोशल इन्फॉर्मर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्रि शब्द एक संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है नौ रात और नौ दिन। इन रातों में देवी के नौ रूपों की पूजा की जाती है। दसवां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि वर्ष में चार बार आता है, पौष चैत अषाढ़ अश्विन के महीने में, जहां नौ रातों तक तीन देवियों महालक्ष्मी सरस्वती और महाकाली के नौ रूपों की पूजा की जाती है। अब अगर बात करें उन नौ देवियों की जिनकी पूजा की जाती है इन नौ दिनों में, तो वो हैं शैलपुत्री अर्थ पहाड़ों की पुत्री, ब्रह्मचारिणी अर्थ ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा अर्थ चंद्र की तरह, कुष्मांडा अर्थ पूरा जगत उनके पैरों में, स्कंद माता अर्थात कार्तिक स्वामी की माँ, कत्यानी अर्थात कत्यान आश्रम में जन्मी, कालरात्रि अर्थ काल का नाश करने वाली, महागौरी अर्थ सफेद रंग वाली माँ, सिद्धिदात्री अर्थात सर्व सिद्धि देने वाली। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण प्रमुख त्यौहार है जिसे पूरे भारत में महान उत्सव से मनाया जाता है। नवरात्रि भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। जैसे गुजरात में इस त्यौहार को बड़े बड़े पैमाने में मनाया जाता है। गुजरात में इस त्यौहार को डांडिया और गरबा के साथ मनाया जाता है। तो आइए अब जान लेते हैं इसका महत्व। नवरात्रि उत्सव देवी अम्बा का प्रतिनिधित्व है। वसंत की शुरुआत और शरद ऋतु की शुरुआत जलवायु और सूरज के प्रभावों का महत्वपूर्ण संगम माना जाता है। इन दो समय माँ दुर्गा के पूजा के लिए पवित्र अवसर माने जाते हैं। त्योहार की तिथियां चंद्र कैलेंडर के अनुसार निर्धारित होती हैं। नवरात्रि पर माँ दुर्गा की अवधारणा भक्ति और परमात्मा की शक्ति की पूजा का सबसे शुभ और अनोखा अवधि माना जाता है। यह पूजा वैदिक युग से पहले प्रागैतिहासिक काल से चला आ रहा है। ऋषि के वैदिक युग के बाद से नवरात्रि के दौरान की भक्ति प्रथाओं में से मुख्य रूप गायत्री साधना का है। नवरात्रि में देवी के शक्तिपीठ और सिद्धिपीठ पर भारी मेले लगते हैं। माता के सभी शक्तिपीठों का महत्व अलग अलग है, लेकिन माता का स्वरूप एक ही है। कहीं पर जम्मू कटरा के पास वैष्णो देवी बन जाती हैं, तो कहीं पर चामुंडा के रूप में पूजी जाती हैं। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में नैनी देवी के नाम से माता के मेले लगते हैं, तो वहीं सहारनपुर में शाकुंभरी देवी के नाम से माता का भारी मेला लगता है। नवरात्रि का नौवां दिन यानी अंतिम दिन ये महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कन्या पूजन होता है जिसमें नौ कन्याओं की पूजा होती है। इन नौ कन्याओं को देवी दुर्गा के नौ रूपों का प्रतीक माना जाता है। कन्याओं का सम्मान तथा स्वागत करने के लिए उनके पैर धोए जाते हैं। पूजा के अंत में कन्याओं को उपहार के रूप में नए कपड़े प्रदान किए जाते हैं, और दसवें दिन विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह मनाया जाता है नवरात्रि का त्यौहार। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में। टिल देन गुड बाय।